हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक व्यूअर ने मुझे क्वेश्चन किया था कि आप अपनी वीडियो को एडिट कैसे करते हो, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अपनी वीडियो को एडिट कैसे करता हूँ। तो सबसे पहले पावर डायरेक्टर को ओपन कर लेते हैं, इसमें न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। इसमें दो ऑप्शन दिया, 16:9 एंड 9:16। तो मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ किया है, 16:9। इसमें तीन दिया है, एक वीडियो का दिया है ऑप्शन, एक सॉन्ग का एंड एक फ़ोटोज़ का। तो हम वीडियो वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसमें वीडियो वाले फोल्डर में जाएंगे एंड सभी वीडियो को सेलेक्ट कर लेंगे जो भी ड्राइंग की वीडियो है। सब सेलेक्ट हो चुकी है एंड सबको स्पीड कर देंगे। तो स्पीड करने के लिए सबसे पहले वीडियो पे क्लिक करना है एंड देन उसके बाद पेंसिल वाला आइकन आएगा उसे क्लिक करना है, फिर स्पीड वाला आइकन आएगा उसे क्लिक करना है, जिसमें मैक्सिमम स्पीड 8x तक के है, सभी को स्पीड कर देते हैं। लगभग सभी स्पीड हो गई वीडियोस। इसमें कलर चेंज करेंगे ब्राइटनेस, जिसमें कलर का भी ऑप्शन दिया है, जैसे फिल्टर दिए कुछ, इन फिल्टर लुक का तो यूज़ हमें है नहीं अभी, तो इसे स्किप कर देते हैं। इसमें ब्राइटनेस वगैरह भी दिया है, तो ब्राइटनेस को मैं लगभग 15 के बीच में रखता हूँ एंड कॉन्ट्रास्ट को मैं 20 के बीच में रखता हूँ, 20-25 के बीच में। एंड सैचुरेशन को भी मैं 120 या 135 तक के 125 तक के रखता हूँ। ये हो गई है, ऐसे ही दूसरे वीडियो को कर रहा हूँ मैं। एंड इसके बाद जैसे आपको जूम करना है कुछ वीडियो को, तो आप इसे क्रॉप वाले ऑप्शन में जाके क्रॉप कर सकते हो। जैसे इतना जूम मैंने किया है, ऐसे प्ले करके देखते हैं, देखिए जूम होकर प्ले हो रहा है। इसे नॉर्मल कर देंगे, अब इसे दिखाने के लिए था। ये नॉर्मल हो चुकी है, जैसे आपको वीडियो कुछ पार्ट डिलीट करना है तो उसमें कट वाला ऑप्शन दिया है, उसे कट कर दबा के फिर इसे डिलीट कर सकते हैं, डिलीट का ऑप्शन भी दिया है। जैसे ये सभी वीडियो फास्ट थे तो उसके बीच में कुछ दिख रहा है आपको आइकन, उसे सेलेक्ट करके आप उसमें कुछ सभी वीडियो के क्रॉप वाले जगह में मोशन फिल्टर का ऑप्शन दिया है, मैंने सब में मोशन फिल्टर लगा दिया कुछ कुछ, ऐसे प्ले करके देखते हैं। सबसे पहले ये आया, उसके बाद एक और फिल्टर आएगा, ये आया, देन थर्ड, ये आपको समझ में जाएगा, दिखेगा नहीं अच्छे से, एंड फोर्थ ये, एंड फिफ्थ ये, एंड लास्ट ये। बट ये मैं यूज़ नहीं करता, अच्छा नहीं लगता अपने ड्राइंग वगैरह में, लेकिन कुछ और अगर आप वीडियो एडिट कर रहे हो तो उसके लिए अच्छा रहेगा। एंड इसके बाद आप कुछ फ़ोटोज़ भी लगा सकते हो अपने वीडियो के स्टार्टिंग में या लास्ट में, जिसे लास्ट मैंने ये लगा दिया फ़ोटो। इसमें स्टार्टिंग में ले जाना है तो उसे मैं दबा के पीछे खींच दूंगा, और कुछ वीडियो को भी आपको आगे पीछे करना है तो उसको क्लिक करके रखिए एंड आगे पीछे कर सकते हो। ये भी हो गई, एंड इस वीडियो को तो मैं अपने हर वीडियो के एंड में या फिर स्टार्टिंग में डालता ही हूँ। अक्षय चंद्री का पूरे आर्ट लव एंड सपोर्ट। जैसे आपको इसमें NCS म्यूजिक डालना है तो आप डाल सकते हो इस टाइप से। इसमें प्ले करके देख लेते हैं, आवाज़ तो नहीं आएगी क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ इसमें। वॉइस ओवर के लिए भी इस ऑप्शन जाके
आप देख सकते हो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे स्टेप फॉलो करके। फर्स्ट में तो वो सॉन्ग है NCS का, सेकंड में मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो वॉइस ओवर का भी आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे वॉइस ओवर कर सकते हो आप। इसमें अगर गलती हो जाएगी तो रीटेक का ऑप्शन दिया है, मैं सेव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सेव ही करना है। ये हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप, आपको कुछ फ़ोटोज़ लगानी है जैसे साइड में वीडियो के बीच में, तो वाले ऑप्शन में जाके फ़ोटो चूज़ कर सकते हो, मेरी वीडियो को देख के फॉलो कर सकते हो। ये वीडियो के अंदर ही रहेगा ये वाला पिक जहाँ से भी हमने सेलेक्ट किया, कि कुछ लोग इसके बारे में पूछ रहे थे कैसे करते हो करके। तो देखिए मैंने साइड में लगा दिया है, और जो नीचे ब्लू कलर का दिख रहा है पट्टी, उससे आप इस वीडियो में कितना देर तक कि उस फोटो का रखना है उसको बता सकते हो, दिखा सकते हो उसमें। देखो बीच में फ़ोटो लग गई, ये वीडियो के बीच में फ़ोटो लग गई। आप फ़ोटो को छोटा बड़ा कर सकते हो, इधर साइड इधर उधर भी कर सकते हो। एंड फोटो के बाद जैसे आपको लाइक का जैसे मैंने लाइक का इफेक्ट डाला है, इसे भी आप एडजस्ट कर सकते हो। साइज वगैरह इसका एंड चाहो तो कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हो, जैसे मैं इसमें लिख रहा हूँ स्केच। वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो जाने पर ऊपर वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड प्रोड्यूस वीडियो कर देना है। उसके बाद भी आपको ऑप्शन देगा कि फुल HD में करना है या HD में, तो मैं हमेशा फुल HD में करता हूँ। अभी 700 MB कम है मेरे में, तो 700 MB एडिट करने पूरा स्पेस नहीं है। तो वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना।